आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 11 से 17 अगस्त तक मनाया जाएगा हर घर तिरंगा एवं स्वतंत्रता सप्ताह। जिलाधिकारी ने सभी संगठनों से अपील करते हुए कहा, हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने में करें योगदान। आज जिला कलेक्ट्रेट में डीएम रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने के क्रम में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में विकास भवन के प्रेरणा सभागार में बैठक आयोजित की। उक्त बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल, मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक गण, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न संगठनों, वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक समूहों एवं संगठनों, सभी ब्लॉकों के प्रधान संघ के अध्यक्षों ने प्रतिभाग किया। उक्त बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि नगर के सभी प्रतिष्ठानों, शहीद स्थलों पर तिरंगा फहराए जाने हेतु सभी संगठनों के साथ बैठक कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है तथा उन्हें झंडा उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को याद करके उसके रूप में मनाए जाने हेतु सभी अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। जिलाधिकारी ने सभी संगठनों एवं जन सामान्य से अपील करते हुए कहा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जाने वाला हर घर तिरंगा कार्यक्रम को फ्लैग कोड का पालन करते हुए हर्षोल्लास व जश्न के साथ मनाया जाए। उन्होंने कहा कि 11 से 17 अगस्त 2022 तक चलने वाला हर घर तिरंगा कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाया जाए तथा इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु लोगों को जागरूक किया जाए की होती है, तो इसके लिए क्या आपकी तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही है? हमारी तरफ से कई व्यवस्थाएं की गई। फिलहाल तो कल मैंने एक सामाजिक संस्थाओं का बैठक किया जिसमें 20-25 सामाजिक संस्था से अध्यक्ष आए और उन लोगों द्वारा राय लिया गया, अपनी भी राय दी गई, जिसमें ये तय हुआ कि एक बड़ी बैठक की जाएगी सभागार में 3 तारीख को, जिसमें 40-50 सामाजिक संस्थाएं और एनजीओ वगैरह आएंगे और उसमें अलग अलग कार्यक्रमों को तय किया जाएगा। कल भी कुछ कार्यक्रम तय हुए हैं, जैसे हम सामाजिक संस्थाओं को हमने प्रेषित किया कि आप चौराहा को सजावट करें तिरंगा लाइटों से और अपने अड़ोसी पड़ोसी जितने मोहल्ले वासी हैं उनसे कहें कि अपने अपने घरों को भी तिरंगा लाइट से सजाएं और सभी पार्कों की सजावट करें। नगर पालिका द्वारा भी सभी जो नगर पालिका की बिल्डिंग है उसको सजाया जाता है। अभी तक तो हर साल 2 दिन के लिए सजाया जाता था लेकिन इस बार पूरे 1 सप्ताह के लिए सजाया जाएगा सभी बिल्डिंगों को। और भी बहुत से कार्यक्रम तय होने हैं जो कि सभी एनजीओ की जो मीटिंग होगी, बड़ी मीटिंग एक होगी उसमें तय होगा और एक जागरूकता रैली निकाला जाएगा सभी एनजीओ और पालिका के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा, जैसे लोगों के अंदर जागरूकता आए घर घर तिरंगा लगाने। हर क्या हर प्रतिष्ठान, हर विद्यालय, जो भी भवन है जहाँ पर भी लोग रहते हैं, कार्य करते हैं, वहाँ पर इस बार तिरंगा फहराने की एक मुहिम चलानी है और ये जन भागीदारी से होना। ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं, हम केवल एक तरह से लोगों को जोड़ने के सूत्रधार का काम कर रहे हैं। इसमें हमने अपने नगर के जो जितने हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, हमारी माननीय नगर अध्यक्ष महोदय हैं और अन्य जगह के भी जो ईओज और नगर अध्यक्ष महोदयों को बुलाया गया था, हमारे जो प्रधान संघ के लोगों हैं उनको बुलाया गया था, हर ब्लॉक के यहाँ पर आए थे, हमारे जनपद के जो लीडिंग एनजीओज हैं, जो हमारे पत्रकार संगठन हैं, हमारे उद्योग व्यापार संगठन हैं, सबको इनवाइट किया क्योंकि ये एक बहुआयामी और हर प्रकार के लोगों को लेकर के कार्यक्रम होना है। झंडे कुछ हमारे जो स्वयं सहायता समूह एनजीओज हैं, हमारे एसएचजी वो भी बना रही हैं पर जो उनकी क्षमता के अनुसार और बाकी मार्केट में भी उपलब्ध हो रहे हैं। एक स्टैंडर्ड साइज आज दिखाया गया है, हम लोगों ने एक प्रतीकात्मक रूप से अपने अपने आवास के लिए क्रय भी किया है और हमारे जो बड़े संगठन वाले हैं उन्होंने इस आशा के साथ हमने क्रय करवाया है कि उनको देख करके बाकी लोग भी तत्काल अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे या जहाँ से भी फ्लैग मंगवाएंगे। और जब हमारा ये अभियान चलेगा तो सभी पूरे शान से, पूरे एक गर्व के साथ अपने घरों पे, अपने प्रतिष्ठानों पे तिरंगा ध्वज लहराएंगे। 75वीं वर्षगांठ जो आज़ादी के उसको आत्मसात करते हुए पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। क्या सर इसके पहले भी कोई निकाला जाएगा? बस अब लगातार कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कभी हमारे अभी जैसे काफ़ी लोगों ने कहा कि वो अपने अपने संगठनों में जागरूकता करेंगे, साथ ही हमारे जो शहर के विभिन्न प्रकार के हमारे जो विज्ञापन के स्थल होते हैं, हमारा जो
पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उस पर भी चलाया जाएगा, होर्डिंग बैनर वगैरह भी लगाए जाएंगे, वर्ड ऑफ माउथ व्हाट्सएप से, कि आजकल सबसे अच्छा माध्यम व्हाट्सएप है, तो तिरंगा गीत जो है हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा वो भेजा जाएगा, फ्लैग कोड में क्या है आपको किस तरह से झंडा लगाना है उसकी वो भेजी जाएगी, और इसी प्रकार से जागरूकता कार्य किया जाएगा। तो इसके लिए सर जनपदवासियों से क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मेरी यही अपील है कि यह जैसे आज हमारे मीटिंग में हमारे लोगों ने कहा भी लोग कि ऐसा मौका कम आता है, कम लोगों के जीवन में आता है कि इस प्रकार से कोई विशेष वर्षगांठ हम मना रहे। 75वीं जयंती एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की, उसे पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है।